भूत रेत का महल है। लहर आ रही है। ओ नहीं, उस लहर और महल का कोई मुकाबला नहीं था। मुझे आश्चर्य है, क्या मैं एक रेत का महल बना सकता हूँ जो बह नहीं पाए? हाँ, तुम सही हो टैप। पता लगाने का एक ही तरीका है, मुझे अपना खुद का एक रेत का महल बनाने की जरूरत है। मुझे खुदाई करने वाले हाथ और मकड़ी के पैरों की आवश्यकता होगी। खुदाई करने वाले हाथ, मकड़ी के पैर तैयार। ब्लिपी, स्टेशन को एक्टिवेट किया जाए। ब्लिपी मोबाइल कार्रवाई के लिए तैयार है। चलो एक रेत का महल बनाते हैं जो बह नहीं पाएगा। अब हमें खुद से रेत के महल का आकार बनाने की जरूरत है। हम छोटे हो रहे हैं। उस ठंडी समुद्री हवा को महसूस करो टैप। वाह! हेलो, मैं हूँ केकड़ा और मेरा नाम है क्रैबी। आपसे मिलकर खुशी हुई। अच्छा क्रिकी, मुझे अपनी ताकत का कोई अंदाजा नहीं। हेलो क्रैबी, मैं ब्लिपी हूँ और ये है मेरी ब्लिपी मोबाइल। मुझे ये काफी पसंद आया, तो क्या तुम मजे के लिए इस पर सवार हो? सही कहा क्रैबी, मैं यहाँ आया ही इसलिए हूँ कि ऐसा रेत का महल बना सकूँ जो पानी से बह न सके। तुम बिल्कुल सही केकड़े के पास आए हो। मैं खोदता हूँ और महल बनाता भी हूँ। मैं मदद कर सकता हूँ ब्लिपी। बढ़िया, तो पहली चीज जो हम करने जा रहे हैं वो एक मोट बनाना। यह गड्ढे के लिए एक फैंसी शब्द है। गड्ढे की वजह से पानी उसमें चला जाता है और उसके पीछे जो कुछ है उसे नहीं बहा पाता है। तो चलो खोदते हैं। खोदो खोदो खोदो, खोदो 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 खोदो। वाह, क्या गड्ढा बनाया। चलो अब रेत का महल बनाते हैं। तुम सही हो टैप, हमें एक फावड़ा चाहिए। काम खत्म, महल तैयार है। तुम पहले ही बना चुके हो। और हमारा गड्ढा बिल्कुल सही बना है। मोट वो गड्ढा है जो हमने रेत के महल के चारों ओर बनाया है। अच्छा गड्ढा और रेत का एक सुंदर महल। लहर आ रही है। खाई ने काम किया क्रैबी, इसका मतलब है कि मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर मिल गया। क्या मैं एक रेत का महल बना सकता हूँ जो धुलता नहीं है? मैं पानी रोकने के लिए इसके चारों ओर एक गड्ढा बना सकता हूँ। उत्तर अपलोड करो टैब। थैंक्स क्रैबी, बाद में मिलते हैं ब्लिपी, काम करते रहो। आज बाहर बहुत गर्मी है, लेकिन मेरी पॉप्सिकल पिघल कर नीचे जा रही है। मुझे आश्चर्य है, पॉप्सिकल मेरे हाथ से नीचे पिघलते हुए क्यों बह रही है? ये क्या है टैप? आइसक्रीम ट्रक में जाते हैं और किसी एक्सपर्ट से पूछते हैं। ये एक अच्छा आइडिया है। मुझे खुदाई करने वाले बत्तख और पंखों की आवश्यकता होगी। पंख और खुदाई करने वाले बत्तख के पैर तैयार है। ब्लिपी, स्टेशन को एक्टिवेट करो। ब्लिपी मोबाइल रोमांच के लिए तैयार है। आओ जाने कि मेरा पॉप्सिकल हमेशा मेरे हाथ से नीचे क्यों पिघलता है। हम छोटे हो रहे हैं। वाह, हम आइसक्रीम ट्रक में पहुंच गए। हाय, इस ट्रक में आपका स्वागत है। मैं शेरी पॉप हूँ, मुझे खुशी है कि आप आए। हेलो शेरी, मैं ब्लिपी हूँ। मैं सोच में पड़ गया हूँ कि मेरी पॉप्सिकल नीचे क्यों बहती है। मुझे पता है क्यों, लेकिन सबसे पहले हम ठंड का मजा उठाते हैं। बिल्कुल। वूहू, हम आइसक्रीम बोर्डिंग कर रहे हैं। हम स्प्रिंकल से होते हुए स्लाइड कर रहे हैं। अब हम चॉकलेट में स्नॉर्कलिंग कर रहे हैं। शेरी, क्या तुम पिघल रहे हो? हाँ, मैं पिघल रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत गर्म हो गया हूँ, लेकिन मैं फ्रिज में ठंडा हो जाऊंगा और मैं ठीक हो जाऊंगा। बर्फ की ठंडक। अंदर कैसा लग रहा है शेरी? यहाँ बर्फीली हवा है और मैं सेट हो गया हूँ। ऐसा लग रहा है कि अंदर तो काफी ठंड है। हाँ, तुमने सही कहा ब्लिपी, मेरी तरफ फ्रोजन डेजर्ट होना काफी कूल है। मेरा तापमान लगभग 32 डिग्री फ़ारेनहाइट 0 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। अगर मैं ऐसे ही ठंडा रहा तो बिल्कुल पिघलूंगा नहीं। जानकर अच्छा लगा। मैं देख रहा हूँ तुम मेरे पॉप्सिकल की तरह हो।
जब ये फ्रीजर से बाहर था और ब्लिपी मोबाइल की गर्मी से मेरे हाथ पर पिघल गया। तुम्हारी पॉप्सिकल को भी यहाँ की सैर करने आना चाहिए था। तुम सही कह रहे हो, इसका मतलब है कि हमारे पास मेरे प्रश्न का उत्तर है। मेरा पॉप्सिकल मेरे हाथ में क्यों पिघल जाता है? ऐसा इसलिए है क्योंकि पॉप्सिकल बहुत गर्म होने पर पिघल जाएंगे, इसलिए हम उन्हें फ्रीजर में रखते हैं। उत्तर अपलोड करो टैप। शेरी, पूरी जानकारी देने के लिए तुम्हारा धन्यवाद। ये था एकदम कूल। ठंडे रहो ब्लिपी। बाय बाय। हेलोवीन सबसे मजेदार है टैप, और मुझे ट्रिक या ट्रीटिंग भी पसंद है। हे देखो, हॉन्टेड हाउस। वाह, सारी सजावट देखो, ये कितना कूल है। तुम सही कह रहे हो टैप, हो सकता है कि अंदर ट्रीट्स हो। मुझे आश्चर्य है, एक हॉन्टेड हाउस के अंदर आखिर क्या हो सकता है। चलो पता करते हैं। तैयार हो टैप? टैप, मुझे टैप को ढूंढने के लिए हॉन्टेड हाउस में जाना चाहिए, इसमें मजा आएगा। हेलो, मैं ब्लिपी हूँ। मैं अपने दोस्त टैप को ढूंढ रहा हूँ, क्या आपने उसे देखा है? हेलो ब्लिपी, मैं मिस्टर पम्पकिन हूँ। क्या वो भूत था? शायद, हाँ, मैंने टैप को नहीं देखा, पर तुम उसे इस हाउस में ढूंढ सकते हो, जहाँ काफी चमत्कारी चीजें हैं, जो मजेदार भी है। वाह, शायद मेरे दोस्त बॉन्स ने टैप को देखा हो, वो बेसमेंट में है। मैं सीढ़ियों से देखना शुरू करता हूँ। ठीक है। वो एक स्लाइड में बदल गया। मिस्टर पम्पकिन, टैप, हेलो। ओह, सॉरी। चिंता मत करो, बॉन्स के साथ ये अक्सर होता है। शायद उसने टैप को देखा हो। मैं इसे पहले उठा लेता हूँ। मैं ऐसा नहीं करता। वो? से माफ करना बॉन्स। वाह, हो सकता है कि उड़ता हुआ भूत जानता है कि टैप कहाँ है, इसका पीछा करते हैं। हेलो डायन, बाय डायन। मुझे लगता है कि रास्ता यही खत्म है। मुझे आश्चर्य कि सब कहाँ गए। कूल, एक घूमती हुई दीवार। ब्लिपी, तुम मेरे हॉन्टेड हाउस पूरा घूमने में सफल हुए। ट्रिक्स खत्म हो गई है, लेकिन अब ट्रीट का समय आ गया है। एक मिनट, मुझे लेकिन अभी तक टैब नहीं दिखा। टैब, तो तुम्हें इतनी देर से भूत बने घूम रहे थे। अब मुझे मेरे सवालों का जवाब मिल गया कि हॉन्टेड हाउस के अंदर आखिरकार क्या है। मजेदार, डरावना कंकाल, मकड़ी का जाला, एक बात करने वाला कद्दू, मकड़ियाँ, एक डायन, एक तैरता हुआ टैप का भूत। उत्तर अपलोड करो टैप। हमें अपने घर में मौज मस्ती करने देने के लिए धन्यवाद मिस्टर पम्पकिन। हैप्पी हैलोवीन। हैप्पी हैलोवीन।